कप्तान विराट ने कहा, इस खिलाड़ी की पारी हमारी मैरिज एनिवर्सरी के लिए स्पेशल गिफ्ट है। नमस्कार दोस्तों, भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीसरा और आखिरी T20 मैच मुंबई के वानखेड़े में खेला गया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 3 विकेट पर 240 रनों का स्कोर खड़ा किया, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज 8 विकेट पर 173 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से ओपनर रोहित शर्मा ने 34 गेंद पर 71 रन और लोकेश राहुल ने 56 गेंदों पर 99 रनों की तूफानी पारियां खेली। दोनों तेज तरार शुरुआत देते हुए पहले विकेट के लिए 135 रन जोड़े। इसके अलावा कप्तान विराट कोहली ने अंतिम ओवर्स में 29 गेंदों पर 70 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 4 चौके और 7 छक्के लगाए। मैच के बाद भारतीय कप्तान विराट कोहली से प्रेजेंटेशन के दौरान बातचीत की गई, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। कप्तान विराट ने कहा, हमने पहले बल्लेबाजी और जीत के बारे में काफी कुछ सुना है, जहां उनकी आउट होने के और प्रदर्शन पर निर्भर करता है। मैंने खुद को जोन में पाया और उसके बाद पारी को आगे लाया। केएल राहुल के बारे में विराट ने कहा कि उन्होंने एक शॉट थामकर लंबे समय तक बल्लेबाजी की, यह एक प्यारी सी विशेष पारी है और हम अपनी दूसरी विवाह सालगिरह मना रहे हैं, यह हमारे लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। यह एक विशेष नाइट थी और ये मेरे करियर की सबसे पारियों में से एक थी। उन्होंने आगे कहा कि जब आप पहले बल्लेबाजी कर जीतते हैं तो काफी अच्छा महसूस करते हैं। मुझे मालूम है कि मैं क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में रन कर सकता हूँ, बस आपको अपने दिमाग ने इसका ध्यान रखना है। अब विश्व कप नजदीक आ रहा है और हमें अपना आत्मविश्वास ऊंचा रखना है।